फ्रेंड्स, व्हाट्स अप, आप लोग कैसे हो? और आप लोगों को पता है कि कल होली है और आज है 17th March, होली से एक दिन पहले। और होली से एक दिन पहले हम लोग क्या करते हैं, होलिका दहन करते हैं। और जैसे कि मैं बेंगलोर में रहती हूँ और बेंगलोर में जनरली होलिका दहन उस तरह से धूमधाम से नहीं मनाया जाता है जैसे हमारे नॉर्थ इंडिया में सेलिब्रेट होते हैं, और कुछ कुछ सोसाइटी में तो होते नहीं है। पर मैं जिस सोसाइटी में रहती हूँ, सोसाइटी में हर स्टेट के फेस्टिवल को बहुत ही अच्छे से और नाइस तरीके से मनाए जाते हैं। और क्योंकि आज होली है और मेरे जो सोसाइटी वहाँ पर हर तरह के फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है, तो होलिका दहन को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया गया है। और मैं चाहती हूँ कि मैं अपना ये एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँ, एक छोटा सा ब्लॉग करूँगी, आप लोगों को बताऊँ कि मेरे सोसाइटी में किस तरह से हम लोग सेलिब्रेट करते हैं और कितना हम लोग इन्जॉय करते हैं होलिका दहन के दिन। तो मैं एक छोटा सा ब्लॉग करूँगी और आप लोगों को ले चलती हूँ होलिका दहन वाले जगह पर। और उससे पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, हैप्पी होली टू ऑल। अच्छे से होली खेलिए, इन्जॉय कीजिए, अच्छा से सेफ होली खेलिए। और हमेशा जो आप होली के लिए जो कलर यूज़ करें वो ऑर्गेनिक कलर यूज़ कीजिए ताकि आपकी स्किन में कोई साइड इफेक्ट ना हो। तो वंस अगेन हैप्पी होली टू ऑल माय व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच। फ्रेंड्स, ये है मेरे सोसाइटी का होलिका दहन का अरेंजमेंट। अभी जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट है, अभी तक पूरा लोग नहीं आए हैं और ये जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट है। और कुछ स्टॉल लगे हुए हैं जहाँ पर आप खुद परचेस करके पानी पूरी और छोले भटूरे और जलेबी इस टाइप की चीज़ें खा सकते हो। तो ये सामने हमारे सोसाइटी के लोग इसका आनंद ले रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्लिप देखते हैं। सो फ्रेंड्स, ये होलिका दहन का प्लेस है जहाँ पर कुछ लोग पूजा कर रहे हैं। अभी कुछ समय के बाद यहाँ पर पंडित जी आकर होलिका दहन का प्रोसेस करेंगे और यहाँ पर फाइनली होलिका दहन होगा। तो लेट्स चेक अदर एरिया। सो फ्रेंड्स, पंडित जी आ गए हैं और थोड़ी देर में होलिका दहन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। Yeah.
Like, share and subscribe my channel so I can update this type of video on regular basis. Thank you very much for watching.